दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। शेखपुरा स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहां के एक किशोर कैदी ने नालंदा जिले के दूसरे किशोर कैदी के परिजनों से फोन पर रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर किशोर कैदी के साथ मारपीट किया गया था। इस संबंध में नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने शेखपुरा के एसपी कार्तिकेय शर्मा को आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। इस संबंध में किशोर न्याय परिषद के द्वारा जांच आदेश के बाद शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। जांच में किशोर कैदी के परिजन से रंगदारी मांगने का मामला सत्य पाया गया। इसके बाद आरोपित किशोर के खिलाफ शेखपुरा सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा प्लेस ऑफ सेफ्टी में बंद किशोर के परिजन से रंगदारी मांगने से संबंधित मामले की जांच का आदेश प्राप्त हुआ था। इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है और आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही का रिपोर्ट भी न्यायालय को भेज दिया गया है। साथ ही आरोपित कैदी को शिफ्ट करने के लिए मुजफ्फरपुर न्यायालय में आवेदन दिया गया है। प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक को भी एसपी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में आखिर मोबाइल कैसे पहुंचा, जबकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई घटनाएं यहां हो चुकी है। दरअसल हम आपको बताते चले कि नालंदा जिले के एक किशोर कैदी जो रेप के आरोपी हैं, उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में बंद किया गया है और उनके परिजनों से वही बंद एक किशोर कैदी के द्वारा फोन पर रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर बंद किशोर कैदी के साथ मारपीट किया गया था। और इस मामले में नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने इस संबंध में जांच का आदेश शेखपुरा एसपी को दिया था, जो सत्य पाया गया और शेखपुरा एसपी ने इस संबंध में बंद कैदी पर रंगदारी मांगने का एफआईआर भी दर्ज कराया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।